ये अपना सिर इसमें यहाँ पे एंटर हो गए, और फिर उसके बाद यहाँ से जब इस कोऑर्डिनेट पे आओगे तो मिलेगा एक स्केल्टन स्पॉनर, और यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस डायरेक्शन में देखोगे तो मिलेगा एक विलेज, और इधर देखोगे तो मिलेगा एक रुइन नदर पोर्टल, और इस पोर्टल पे देख लो यहाँ पर एक गोल्डन ब्लॉक भी लगा हुआ है। अब आ जाना इस कोऑर्डिनेट पे तो मिलेगा एक जॉम्बी स्पॉनर, और फिर उसके बाद आ जाना इस कोऑर्डिनेट पे तो मिलेगा एक स्पाइडर स्पॉनर। और गाइस ये जो जितना मैंने कोऑर्डिनेट बताया है अभी वो सारे विलेज के पास में ही है, ज़्यादा दूर दूर कुछ नहीं है, सारे पास में ही है। अब वापस से आ जाना विलेज पे, और विलेज में जब इस डायरेक्शन में देखोगे विलेज से तो मिलेगा एक आउटपोस्ट, और जब नेदर पोर्टल को लाइट अप करके नेदर में आओगे और जब इस कोऑर्डिनेट पे आओगे तो मिल जाएगा एक नेदर फोर्ट्रेस। ये अपना सेकेंड सीड यहाँ पर स्पॉन होगा इस सीड में, और फिर उसके बाद यहाँ से जब नीचे आओगे तो ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा एक जॉम्बी स्पॉनर, और इस कोऑर्डिनेट पे मिलेगा एक और जॉम्बी स्पॉनर। फिर अब आ जाना है इस कोऑर्डिनेट पे, इस कोऑर्डिनेट पे आओगे तो मिलेगा एक विलेज, और इस विलेज में एक ब्लैक स्मिथ का घर भी है, और विलेज से इधर देखोगे तो मिल जाएगा एक रुइन नेदर पोर्टल, और रुइन नेदर पोर्टल से ना थोड़ा सा आगे जाकर यहाँ पर नीचे डिक करोगे तो नीचे में मिल जाएगा एक एंशिएंट सिटी। गाइस यहाँ पे जो नेदर पोर्टल देख रहे हो ना, यहाँ पे ना सिर्फ तुमको दो ही ऑब्सीडियन लगाना है, यहाँ पर खाली ये जो लावा दिख रहा है ना यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दोगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑब्सीडियन लगाने का रहेगा, और इसको तो कर ही सकते हो ट्रिक लगा के। तो चलो नेदर में चलते हैं। आओगे नेदर में और इस कोऑर्डिनेट पे आओगे तो मिल जाएगा एक फोर्ट्रेस, और अब विलेज से आ जाना एकदम सीधे इस कोऑर्डिनेट पे तो मिलेगा एक आउटपोस्ट। ये अपना थर्ड सेट इसमें यहाँ पे एंटर होगे, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ जाना है अभी सीधे तो मिलेगा एक इग्लू, और इग्लू के अंदर बेसमेंट भी है, और अब आ जाना है इस कोऑर्डिनेट पे तो मिलेगा एक जॉम्बी स्पॉनर, और जब इस कोऑर्डिनेट पे आओगे तो मिलेगा एक स्केल्टन स्पॉनर, और यहाँ से और आगे आओगे पहाड़ी के ऊपर तो देखने को मिल जाएगा एक विलेज। तो गाइस इन तीनों सीट में से कौन सा सीट अच्छा लगा है मुझे कमेंट करके बताना।